खबर बिहार के आरा से है, जहां शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भोजपुर इकाई की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रही। शिक्षक अध्यापक नियमावली में बिना शर्त संशोधन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पूछा कि क्या मुख्यमंत्री परीक्षा देकर बने हैं। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए कहा कि हमने चुनाव जिताया था, अब हम हराएंगे। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों को आदेश जारी किया है कि नए नियमावली के खिलाफ किसी भी शिक्षकों को विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बावजूद शिक्षक सरकार के आदेश को ठेगा दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक को राज्य सरकार का जो नियमावली अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 निकली हुई है, उसमें जो पूर्व के नियोजित शिक्षक है उनकी भी परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। और नियोजित शिक्षक जो 17 साल से विद्यालयों में काम कर रहे हैं, बच्चों को पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, जिस समय बिहार सरकार के विद्यालयों में ताला बंद था, उस ताला को खोलने का काम किए और समय समय पर जब भी परीक्षा हुई, चाहे वो दक्षता की परीक्षा हो, पात्रता की परीक्षा हो, या हमारे प्रमोशन के लिए परीक्षा देनी पड़े, ये सारे परीक्षा को पास करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद फिर बीपीएससी की परीक्षा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज राज्य सरकार के प्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, क्या आप परीक्षा दे करके उस कुर्सी पर बैठे हैं? क्या आज आप हमसे परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं? नियोजित शिक्षक का बस एक ही मांग है कि बिना परीक्षा लिए जो नियोजित शिक्षा का जो नियमावली निकला है, उस नियमावली में संशोधन करो और तत्काल राज्य कर्मी का दर्जा दो। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोग की बात नहीं। सरकार को बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक किए हुए थे, और अगर नियमावली में संशोधन नहीं हुआ तो उस दिन तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा जिस दिन से राज्य सरकार को इस गद्दी से हम लोग उखाड़ करके फेंक रहे थे।